होप यू आर डूइंग ग्रेट। बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस पार्ट टू में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ से मैंने पार्ट फर्स्ट को पोस्ट किया था वहीं से मैं इसे रिकंटिन्यू कर रही हूँ। बिफोर स्टार्टिंग आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी मैं इसका सेक्शन ए और बी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसी का रिमेनिंग पार्ट जो है यहाँ पे हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट वन आप कॉलम्स देख रहे हैं, ईयर कैटेगरी, पेपर नंबर, टाइटल और पेपर मार्क्स वगैरह देख रहे हैं। तो ये किससे कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसी को मेंशन करने के लिए विद इन बॉक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो फर्स्ट जो आपका कॉलम है वो ईयर के रिगार्डिंग है, सेकेंड आपका कैटेगरी का, थर्ड आपका पेपर नंबर, फोर्थ टाइटल और पेपर, एंड फिफ्थ मार्क्स के रिगार्डिंग है। फर्स्ट वन है आपका एक्सटर्नल, जैसा कि हमें पता है 80 मार्क्स, और इंटरनल 20 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका जो 100 मार्क्स का इच पेपर होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कॉलम थर्ड में क्या था हमारा पेपर नंबर, तो ये है आपका सेवंथ पेपर नंबर। पेपर फर्स्ट टू सिक्स जो है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे इंटर्नशिप की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट है। क्या है आपके रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल कंसेप्ट, 16 वीक्स का होता है, दैट्स मीन लमसम ये आपका 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, और टोटल मार्क्स जो इसके होते हैं 50। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है आपका, फर्स्ट वन एक्शन रिसर्च, ओके, जिसको हम क्रिया शोध भी कहते हैं। दूसरा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग इंटर्नशिप, जिसमें आपको तरह क्यूमुलेटिव जो होते हैं क्या शैक्षिक रिकॉर्ड होते हैं, जो जब आप इंटर्नशिप करेंगे तब आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, शैक्षिक अभिलेखों से रिगार्डिंग ये सारी जो नॉलेज होती है। नेक्स्ट वन है आपका एप्लीकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, तो एप्लीकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट भी जो आपको फोल्डर वगैरह जो मिला है उसमें आपको प्रैक्टिकल जो सेकंड ईयर का जो फोल्डर मिलेगा उसमें रिगार्डिंग आपको अचीवमेंट टेस्ट की भी फाइल मिलेगी, जिसको फुलफिल आपको इसी ट्रेनिंग के दौरान करना होगा, और उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग में भेजने से पहले बताया जाएगा। ओके, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बीएड प्रैक्टिकल पेपर का होता है। इसके बिना हम बीएड की पूर्ण प्राप्ति की भी संकल्पना नहीं कर सकते। इंटर्नशिप व्यवहारिक ज्ञान होता है, और जीवन में हमेशा थ्योरी के कंपैरिजन में व्यवहारिक ज्ञान ही काम में आता है। आपके स्किल्स को, आपके बिहेव को, आपके पोस्चर को, आपके गेस्चर को और आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए इंटर्नशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा। अब कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा क्या है कि आपका लास्ट ईयर में जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके साथ आपका 50 मार्क्स का एक वाइवा भी होगा। अब वो वाइवा जो आपके क्या कहते हैं आपके पेपर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपके नॉलेज के रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी के भी, तो ये एग्जामिनर के मूड और उसकी नॉलेज पर और उसके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। ओवरऑल आपको अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इवनली आपको अपने पेपर्स के नेम और पर्टिकुलर कि पेपर्स के रिगार्डिंग क्या राइटर्स हैं और कौन सी उसकी बेहतर बुक है, एडिशनल कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। ओके, और लास्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा था पेपर नंबर 7th और ये हमारा था पेपर नंबर 8, फाइनल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में दो आपके टीचिंग के सब्जेक्ट रहे होंगे, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स वगैरह वालों के लिए सबके लिए अलग अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका फाइनल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग जो है उसके दो पेपर हैं वो भी 50-50 नंबर के होंगे। ओवरऑल जो इनका टोटल हुआ 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का आपका क्या कहते हैं फाइनल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होगी, जिसमें और इसी के बिहाफ में क्या कहते हैं आपका जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर्ड होगा। नाउ आई होप कि अब आपको आप समझ चुके होंगे, अब आपको जानकारी हो गई होगी कि कितने आपके कंपलसरी पेपर हैं। ओके, कितनों का थ्योरी एग्जाम होना है, 4 पेपर्स का आपका थ्योरी एग्जाम होना है, 2 का आपका प्रोजेक्ट बनेगा जो प्रैक्टिकम पेपर भी कहलाएगा आपका। इंटर्नशिप जो है आपकी 16 वीक की होगी, ओके 16 हफ्ते की होगी और 50 मार्क्स की होगी।
कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होगा आपका, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा जो है वो भी 50 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट वन जो 9th नंबर होगा आपका, फाइनल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होगी। टोटल आपके दो टीचिंग मेथड्स हैं, तो आपका 50-50 मार्क्स इक्वल टू 100 मार्क्स का ये टीचिंग रहेगा। नाउ आप देख सकते हैं कि अब हम लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे ईयर सेकंड के बारे में है, टोटल बता रखा है एक्सटर्नल आपका 470 है और इंटरनल 130, ओवरऑल 600। लाइक दैट ईयर फर्स्ट में आपका है टोटल आपका एक्सटर्नल 450, इंटरनल 150, ओवरऑल 600। नाउ ग्रैंड टोटल ईयर फर्स्ट प्लस ईयर सेकंड इक्वल टू 1200। इसको मोर क्लैरिफाई करने के लिए मैंने इसमें एक पेज अटैच किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि ओवरव्यू ऑफ ग्रैंड टोटल। तो इसमें प्रेस्पेक्टिव्स के बारे में है, आपके जो टोटल आपके जो चार कंपलसरी पेपर हैं जिनका आपका एग्जाम होना है उसके बारे में मेंशन है। 80 आपका कितना हो गया, 80 प्लस 160, और दैट्स मीन ओवरऑल आपका 320 मार्क्स। ओके, ये एक्सटर्नल मार्क्स है आपके। नेक्स्ट वन है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, जो मैं ऑलरेडी बता चुके हैं 50 मार्क्स का, और फाइनल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग जो बताए थे टू मेथड्स होने आपके, 50-50 इक्वल टू 100 मार्क्स। नाउ टोटल कितना हो गया, 320 और 50 प्लस 100 इक्वल टू 470 मार्क्स। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरनल मार्क्स, तो इंटरनल मार्क्स आपके कितने हैं, आपके इंटरनल मार्क्स 24 पेपर्स आपके 20, तो कितना हो गया ओवरऑल आपका 80 मार्क्स है, जिसमें से इंटर्नशिप जो होगी आपकी 16 हफ्तों की वो कितने मार्क्स की है, 50। ओके, तो नाउ ये टोटल कितना बनेगा, 130 मार्क्स। नाउ ग्रैंड टोटल, ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर का भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ 470 मार्क्स और प्लस 130 मार्क्स इक्वल टू 600 मार्क्स, और आपका इसी में फर्स्ट ईयर का 600 कंबाइंड हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1200 मार्क्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने पूरे सिलेबस का जो ओवरव्यू है यहाँ पे अटेस्ट कर दिया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी आपको उसमें से जानना है एक साथ आप उसकी जानकारी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश बहुत पसंद आई होगी, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, टाइम टू टाइम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। टिल देन, ओके बाय, कीप स्माइलिंग फॉरएवर।